हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल हाईवे इंजीनियरिंग। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं स्क्रीनिंग के बारे में। व्हाट इज स्क्रीनिंग, जिसे हम बोलते हैं की एग्रीगेट भी बोलते हैं, फिलर मटेरियल ऑफ WBM भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो क्या होता है स्क्रीनिंग, चलिए पहले हम इसको एक बार स्टडी करते हैं थोड़ा। द मटेरियल विच इज यूज अप टू फिल अप द एक्सेस वॉइड्स प्रेजेंट इन द कॉम्पैक्टेड लेयर ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज कॉल्ड एज स्क्रीनिंग्स। स्क्रीनिंग मटेरियल इज नथिंग बट द एग्रीगेट ऑफ स्मॉलर साइज देन द कोर्स एग्रीगेट बिलो टेबल सोन शोज द स्टैंडर्ड ग्रेडिंग रिक्वायर्ड ऑफ स्क्रीनिंग फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ WBM रोड। वाइल वी कंस्ट्रक्ट ए WBM रोड, फ्रेंड वी नो दैट the aggregate of WBM is a single size aggregate. Particularly the WBM aggregate is the mix of mostly two size of aggregate. Example के लिए हम समझते हैं, जैसे हमारा WBM grade 1 का aggregate होता है तो वो below 63 mm aggregate और below 45 mm aggregate का एक mixture होता है। तो का WBM का जो एग्रीगेट है फ्रेंड वो 63 और 45 mm का जो एग्रीगेट है, तो जब हम इसको हमारे WBM कंस्ट्रक्शन के लिए रोड पर लेइंग करते हैं तो लेइंग करने के बाद क्या होता है, इसमें गैप क्रिएट हो जाती है या वॉइड्स क्रिएट हो जाते हैं। तो इन्हीं वॉइड्स को फिल करने के लिए जो मटेरियल यूज किया जाता है, जो इस लोअर साइज ऑफ एग्रीगेट जो WBM एग्रीगेट यूज किया है उससे लोअर साइज का जो एग्रीगेट इसकी फिलिंग करने में, इसके वॉइड्स को फिल करने में यूज करते हैं, वो हमारा कहलाता है स्क्रीनिंग, जिसे हम फिलर मटेरियल। और स्क्रीनिंग को हम दूसरे वर्ड्स फ्रेंड फिलर मटेरियल या की एग्रीगेट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये जो स्क्रीनिंग का मटेरियल है वो हमारे WBM की जो एग्रीगेट है उसको इंटरलॉक करने में, उसको बाउंड करने में एक पार्ट रोल करता है। ठीक है फ्रेंड, तो अब आगे मैं आपको इमेज की हेल्प से और क्लियर कर देता हूँ कि स्क्रीनिंग को आप कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो हम आगे इमेज की हेल्प से समझ लेते हैं। इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड, ये जो हमने कलेक्शन किया है ये है हमारा WBM एग्रीगेट, WBM ग्रेड 1 या ग्रेड 2 जो भी आप कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं वो एग्रीगेट आपने कलेक्शन कर लिया है। अब इस मटेरियल में आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड, तो ये जो हमारा एग्रीगेट है वो एक कोर्सर साइज एग्रीगेट है, यानी इसमें जो फाइन एग्रीगेट है, जो फाइन पार्टिकल है उसकी डेफिशिएंसी है, वो हमारा फाइन पार्टिकल इस एग्रीगेट में नहीं है। तो हम पहले क्या करते हैं फ्रेंड, पहले हम ये जो हमारा कोर्स एग्रीगेट है इसको हम हमारी जो रोड की सरफेस है या पेमेंट विड्थ है उसमें लेइंग कर देते हैं। वो लेइंग कैसे करना है हम आगे समझते हैं। इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड, हमारा जो कोर्स एग्रीगेट का कलेक्शन था जो कि हमने यहाँ पे आप देख रहे होंगे, आपको स्पॉट दिख रहे हैं, उसको हमने लेइंग कर लिया, हमारी जो पेमेंट है उसमें हमने लेइंग कर लिया है। और जो कोर्स एग्रीगेट है इसके ऊपर फिर आप देख रहे हैं हमने जो फाइन डस्ट है, जो हमारी स्टोन डस्ट और चूरी का जो मिक्सचर है उसको हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यहाँ पे हमने कलेक्शन कर लिया है। फिर इसको हम क्या करेंगे, जो वॉइड्स बन रहे हैं फ्रेंड, ये हमारे जो वॉइड्स दिख रहे हैं आपको कोर्स एग्रीगेट के बीच में, इस वॉइड्स को फिल करने के लिए हम स्क्रीनिंग मटेरियल, फिलर मटेरियल या की एग्रीगेट का स्प्रे बाद में करते हैं। वो अब की एग्रीगेट क्या होता है फ्रेंड वो भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। फ्रेंड ये जो मटेरियल आप देख पा रहे होंगे ये हमारा है स्क्रीनिंग का मटेरियल। जो स्क्रीनिंग का मटेरियल है वो जनरली हमारी जो स्टोन डस्ट होती है और जो चूरी का जो मिक्सचर होता है बिलो 10 mm और बिलो 13 mm का जो पार्टिकल है, और जो स्टोन डस्ट का मिक्सचर हम जनरली की एग्रीगेट या स्क्रीनिंग मटेरियल के तौर पर यूज करते हैं। ये क्या होता है, जो हमारे एग्रीगेट के बीच के जो वॉइड्स आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड, ये जो वॉइड्स है इनके अंदर इसका फिल करते हैं, स्प्रे करते हैं और फिर अच्छी तरह से इस पर वाटर स्प्रे करके, वाटर इतना स्प्रे करना है कि आपको जो WBM की लेयर है वो सैचुरेट हो जाती है, और सैचुरेशन होने के बाद इस पर हम रोलिंग करते जाते हैं, जिससे जो हमारी जो स्टोन डस्ट होती है या जो स्क्रीनिंग का मटेरियल होता है ये अच्छी तरह से सेट हो जाता है। बाइंडिंग मटेरियल फ्रेंड, बाइंडिंग मटेरियल भी ऐसे स्क्रीनिंग यूज किया जा सकता है, लेकिन जो बाइंडिंग मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ है वो थोड़ी अलग होती है। यहाँ पे हम स्क्रीनिंग की एग्रीगेट और फिलर मटेरियल का ही डिस्कशन कर रहे हैं फ्रेंड। बाइंडिंग मटेरियल और स्क्रीनिंग दोनों अलग अलग बातें हैं, दोनों अलग अलग आइटम्स हैं, इसलिए आप इसमें कन्फ्यूज ना हो। ठीक फ्रेंड, तो अब ये स्क्रीनिंग को स्प्रे करने के बाद आपकी पेमेंट है वो कैसी दिखाई देती है वो हम आगे समझते हैं। ओके फ्रेंड, इस इमेज में आप देख
ओके फ्रेंड, तो इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे कि हमारा प्रिपेयर WBM का बेस हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। WBM के बेस के ऊपर ये हमने जो आप स्क्रीनिंग देख रहे हैं, ये स्क्रीनिंग यहाँ पे हमने लेइंग करके अच्छी तरह से उसको सेचुरेट करके वाटर से और फिर इसका रोलिंग एंड कॉम्पैक्शन कर लिया है। ठीक फ्रेंड, अब ये स्क्रीनिंग की जो प्रोफाइल आप देख रहे होंगे फ्रेंड, ये जो प्रोफाइल हमने क्रिएट किया है, इसमें हमें ध्यान ये रखना है कि हमें किसी भी प्रकार से जो एग्रीगेट है WBM का जो कोर्स एग्रीगेट है वो कहीं भी ओपन ना रहे, वो अच्छी तरह से फिल हो जाए और जो उसमें स्क्रीनिंग है वो जो स्क्रीनिंग स्पेसिफाइड वैल्यू है, स्पेसिफाइड क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी के हिसाब से हमारी एरिया को कवर करनी चाहिए। अब वो क्वांटिटी क्या है, क्या ग्रेडिंग फॉलो करनी है, वो भी मैं आपको आगे समझा देता हूँ। फ्रेंड, स्क्रीनिंग का जो ग्रेडेशन है, क्या ग्रेडेशन, किस साइज़ का मटेरियल हमारा होना चाहिए स्क्रीनिंग के लिए, उसके लिए मोर्थ में टेबल 410 हमें फॉलो करनी होगी, जिसमें हमें ग्रेडेशन ऑफ स्क्रीनिंग टू टाइप्स स्क्रीनिंग के ग्रेडेशन दिए हुए हैं, ग्रेडिंग ए एंड ग्रेडिंग बी। तो जो ग्रेडिंग ए है फ्रेंड, ये आप एक WBM ग्रेड वन, जब आप WBM ग्रेड वन का कंस्ट्रक्शन करेंगे तब आपको ये वाला जो स्क्रीनिंग साइज 13.2 mm साइज का यूज करना है। वैन यू कंस्ट्रक्ट WBM ग्रेड वन, देन यू यूज स्क्रीनिंग साइज 13.2 mm, एंड वैन यू कंस्ट्रक्ट WBM ग्रेड टू, देन यू शुड यूज ग्रेडिंग क्लासिफिकेशन बी एंड एग्रीगेट साइज 11.2 mm एज ए स्क्रीनिंग मटेरियल। एंड द सीव साइज इज गिवन हेयर फॉर इस क्लासिफिकेशन ए, सीव साइज इज 13.2 mm, 11.2 mm, 5.6 एंड 180 micron, एंड परसेंटेज पासिंग इज गिवन हेयर। ओके फ्रेंड, एंड वैन वी कंस्ट्रक्ट WBM ग्रेड टू, द एग्रीगेट साइज शुड बी 11.2 mm एंड सीव साइज इज गिवन हेयर 11.2 mm, 9.5 mm, 5.6 mm, 180 micron, एंड परसेंटेज पासिंग इज 11.2 100%, 9.5 mm, 80 to 100%, 5.6 mm, 50 to 70%, 180 micron, 5 to 25%। ओके फ्रेंड, तो ये जो ग्रेडिंग है ये हमें स्क्रीनिंग के लिए फॉलो करना होती है। और अब ये तो हो गई ग्रेडेशन की बात, अब आपको किसी पर्टिकुलर एरिया में या पर्टिकुलर ग्रेडिंग के लिए आपको कितना मटेरियल रिक्वायर्ड है, वो रिक्वायर्ड मटेरियल आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए क्या स्टैंडर्ड है, वो भी हम आगे समझते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो कितना स्क्रीनिंग हमें यूज करना है, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ स्क्रीनिंग वी शुड यूज व्हेन वी कंस्ट्रक्ट ए WBM रूट। ओके फ्रेंड, तो फॉर दिस बी फॉलोड मोर्थ टेबल नंबर 411 अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटीज ऑफ कोर्स एग्रीगेट एंड स्क्रीनिंग रिक्वायर्ड फॉर 75 mm कॉम्पैक्टेड थिकनेस ऑफ WBM सब बेस बेस कोर्स फॉर 10 square meter एरिया। ईच 10 square meter एरिया इन्होंने हमें क्वांटिटी दी हुई है WBM स्क्रीनिंग की, तो हम यहाँ पे स्क्रीनिंग की बात कर रहे हैं तो हम स्क्रीनिंग पे चलते हैं। अगर हमारा WBM ग्रेड वन है, ठीक है, तो हमें जो ग्रेडिंग यूज करना है स्क्रीनिंग का वो है टाइप ए 13.2 mm, और जो लूज क्वांटिटी लगेगी हमें स्क्रीनिंग की वो लगेगी 0.12 से लेके 0.15 क्यूबिक मीटर। ठीक है, अब ये जो क्रशेबल टाइप सच एज मोरम और ग्रेवल, ये जो है हमारा बाइंड, ये जनरली हम यूज नहीं करते, हम स्टोन डस्ट या जो हमारी क्रशर स्टोन है उसको ही यूज हम करते हैं, तो हमें यहाँ पे क्रशर स्टोन का ही डिस्कशन करेंगे फ्रेंड। तो टाइप ए के लिए है 0.12 से लेके 0.15, और अगर WBM ग्रेड टू है तो वहाँ पर हमारा जो स्क्रीनिंग का जो क्वांटिटी हो जाएगा पर 10 square meter एरिया में वो हो जाएगा 0.18 से लेके 0.21 क्यूबिक मीटर। अब ये टेबल के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे कि हमने जो रोड कंस्ट्रक्शन करनी है उसमें कितनी स्क्रीनिंग हमें यूज करना है, तो वो हम आगे कैलकुलेट करके देख लेते हैं। ओके फ्रेंड, तो नाउ वी डिस्कस अबाउट क्वांटिटी कैलकुलेशन फॉर स्क्रीनिंग। ओके फ्रेंड, फर्स्ट एज्यूम लेंथ ऑफ सेक्शन, हम एज्यूम करते हैं कि हम जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हम कोई भी एक सेक्शन का डिस्कस कर लेते हैं, किसी भी एक सेक्शन को लेकर कैलकुलेट कर लेते हैं, हम मान लेते हैं कि हमारा जो लेंथ है रोड का वो है 100 मीटर, और जो विड्थ है जिसमें हमें जितनी चौड़ाई में हमें WBM का कंस्ट्रक्शन करना है वो विड्थ है 3.75 mm। ठीक है, तो मोर्थ के अकॉर्डिंग
जो क्वांटिटी ऑफ स्क्रीनिंग होनी चाहिए वो होनी चाहिए 0.15 क्यूबिक मीटर पर 10 स्क्वायर मीटर एरिया, या इसको आप पर स्क्वायर मीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगी 0.015 क्यूबिक मीटर पर स्क्वायर मीटर। ओके, तो नाउ वी कैलकुलेट द एरिया ऑफ आवर रोड सेक्शन, आवर पेमेंट सेक्शन, हाउ मच एरिया कवर्ड, देन वी कैलकुलेट एरिया ऑफ सेक्शन। Width is 3.75 meter and length is 100 meter. So the area of section will be 375 square meter. So then required amount of screening, ठीक है, ओके फ्रेंड, तो अवर एरिया ऑफ सेक्शन इज 375 स्क्वायर मीटर एंड पर स्क्वायर मीटर वी रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ स्क्रीनिंग 0.015 क्यूबिक मीटर। सो वी शुड मल्टीप्लाई एरिया 375 मल्टीप्लाई विद द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ ईच स्क्वायर मीटर 0.015, सो द रिक्वायर्ड क्वांटिटी शैल बी 5.625 क्यूबिक मीटर। ओके फ्रेंड, तो आई होप ये वीडियो फ्रेंड आपको समझ में आई होगी, कुछ कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड, और हमारे टेलीग्राम चैनल हाईवे इंजीनियरिंग को भी जरूर ज्वाइन करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ओके फ्रेंड।